दोस्तों मच्छर हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। घर हो, पार्क हो, छत हो या आपका कमरा, मच्छर हमें हर जगह परेशान करते हैं। हर साल में पूरी दुनिया में 10 से 40 करोड़ लोगों को डेंगू हो जाता है और 30,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो जाती है। पूरी दुनिया में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत मच्छरों की वजह से होती है। आज के शो में हम जानेंगे कि सिंगापुर ने कैसे मच्छरों से छुटकारा पा लिया है। दोस्तों मच्छरों की बात करें तो मच्छर हम इंसानों में कई बीमारियां फैलाते हैं। जहां हम मच्छरों को मारने की कोशिश करते हैं, वहीं सिंगापुर में मच्छरों को पाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मच्छरों को पाला जाता है। दोस्तों सिंगापुर के साइंटिस्ट मच्छरों को लेबोरेटरी में पालते हैं। यह लेबोरेटरी में ऐसे मच्छरों को पालते हैं जो कभी किसी फीमेल मच्छर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो फिर फीमेल मच्छर अपने जीवन में अंडे नहीं दे पाएगी। साइंटिस्ट का एक छोटा सा आइडिया है कि मेल मच्छर को जेनेटिकली तैयार करो और यह मेल मच्छर कभी फीमेल मच्छर के कॉन्टेक्ट में आए तो फिर फीमेल मच्छर कभी माँ नहीं बन पाए। जब फीमेल मच्छर अंडे नहीं दे पाएगी तो मच्छरों की धीरे धीरे आबादी कम होने लगेगी। मजेदार बात यह है कि यह लेबोरेटरी मच्छर कभी भी इंसानों को काटते नहीं है और इंसानों में बीमारियां भी नहीं फैलाते हैं। गवर्नमेंट इन मच्छरों को हर जगह छोड़ती है ताकि फीमेल मच्छर अंडे नहीं दे पाए और मच्छरों की संख्या समय के साथ कम होती जाए। मच्छरों को हर जगह छोड़ा जाता है, जैसे पार्क में, कॉलोनी में, घर के सामने, हर जगह। जहां पर इस टेक्निक का यूज किया गया है वहां पर मच्छरों की आबादी में 90% तक कमी आई है। है ना यह एक बहुत ही मजेदार आइडिया। इस आइडिया को हम हमारे भारत में भी यूज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस आइडिया को यूज किया है और मच्छरों की संख्या कम करी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।